वही तो आंकड़े बता रहे रविंद्र जी। अरे तो सुनिए ना, अगर आपकी इकोनॉमी कांग्रेस के टाइम पे 1.5 ट्रिलियन की थी, आज 3 ट्रिलियन की हो गई है, तो हर चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आपको रॉ मेटेरियल भी चाहिए, 70 साल में ये लोग रॉ मेटेरियल तक बहुत सिंपल चीजें नहीं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, ये अरे मेक इन इंडिया का क्या आप बोल रहे हैं कि आपको बेनिफिट नहीं मिला है? मेक इन इंडिया का बेनिफिट देखिए, जो छोटे वेंडर है उनको कितना मिला हुआ है। नहीं, चीन वाला जो आंकड़ा अभी रविंद्र जी दे रहे थे वो गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है वो, इनकी इनकी इच्छा या प्रेजेंटेशन गलत है। मैं बोलता हूँ 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी और आज 3 ट्रिलियन की हो गई, तो हर चीज बढ़ेगी ना रविंद्र जी। अभी ये बोल रहे हैं कि भारत जो बोलते हैं, ये जो बोलते हैं, अभी बोला मोदी जी भी बोलते हैं कि हम विश्व की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गए हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि हम विश्व के सबसे बड़े बाजार हो गए हैं। जो हमारी प्रति व्यक्ति आय है उसमें हम 167वें नंबर पे पहुंच गए हैं, और जो प्रति व्यक्ति जीडीपी है वो 136 नंबर है हमारा। अब मुझे बोलने दीजिए, टोटल इकोनॉमी तो बढ़ गई लेकिन पर कैपिटा जो रिसोर्सेस थे वो घट गए पूरी तरीके से। क्यों घट गए? क्योंकि भारत के 10% लोगों के पास ये सारा चला गया। 55% की जो यहाँ इकोनॉमी है उसमें 10% लोगों का कब्जा है, उन 10% लोगों में से 1% लोगों के पास में। जल्दी से पहले आप जल्दी से, फिर उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूँ। AK मिश्रा पहले आप अपनी बात रखिए, जरा पूछ दीजिए। ये पर कैपिटा जीडीपी की बात कर रहे हैं, सिक्के के दूसरे पहलू को देखिए। पर कैपिटा डेप्थ सबसे ज्यादा कहाँ है? अमेरिका में है, यूके में है। अगर आप डेप्थ की बात करते हैं तो चाइना का डेप्थ उसके जीडीपी से 250% ज्यादा था। आप जापान का देख लीजिए, आप अमेरिका का देख लीजिए, नहीं तो इनके लिए बांग्लादेश की इकोनॉमी उदाहरण है, वही बना दीजिए, इसमें ये खुश रहेंगे। इनके लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितनी इकोनॉमी की इन्होंने तारीफ की, रघुराम नाथन ने तारीफ की, इनके नेता ने तारीफ की, बांग्लादेश पाकिस्तान सबकी इकोनॉमी देख लीजिए, वही बना दें। आपके हिसाब से जो इकोनॉमी का फंडा है, बांग्लादेश बना दें, श्रीलंका बना दें, इनसे सवाल पूछ लीजिए।